this was a very unique concept which me and Manoj, the director of the film, Manoj Michigan, we conceived the plot, basically the concept, looking to our real life. Basically, I also have seen this kind of person in his life, like Joy Chatterjee. There are a hell lot of Joy Chatterjees around us always, and we thought of let's give some good message to the society. That's there is nothing much in life, ki I me myself kind of a thing. It's always should be ours and ours. We believe in those words. That was the concept of conceiving this content. Yes, of course, Manoj has written the concept of Joy Chatterjee, where I wanted some kids to be involved in. And then I got into the script and I said, Manoj, let's get some kids into the script. There we see ke, you know, bachcho ke saath mein zyada इमोशनल अटैचमेंट होने से इंसान बदलते हैं. कितने भी अहम हो, कितने भी ईगो हो, जो भी हो, आई फील समवेयर किड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज समवन्स लाइफ, समवन्स एटीट्यूड, समवन्स लुकिंग टूवर्ड्स द लाइफ. शुड बी वेरी हम्बल, शुड बी वेरी. आज के दुनिया पे हम चारों तरफ यही देखते कि सब लोग हम मैं यही करते रहते. तो कहीं पे मेरा ये इच्छा थी कि कहीं अगर छोटी सी एक फिल्म से, छोटी सी एक मैसेज से अगर हम इंसान की ख्याल को बदल सकते हैं थोड़ा सा. दैट वाज़ द ओनली इंटेंशन ऑफ वर्किंग ऑन दिस स्क्रिप्ट. तो आपकी फिल्म हिंदी में भी बनाएंगे? हाँ, अगर कंसेप्ट इज रेस, यस कंसेप्ट अगर सबको पसंद आते हैं, आई एम ओपन टू ऑल दी लैंग्वेजेस. अगर डेफिनेटली यस, इट इज़ अ कंसेप्ट कि हर लैंग्वेज में बनाए जा सकते हैं. यस, स्टारकास्ट वाज आबिर चटर्जी. बेसिकली हमने आबिर से ही शुरू किए थे जर्नी, बट जब शुरू किए थे आबिर डिडंट हैव डेट्स, उसके पास डेट्स नहीं थे. तो हम लोग कोलकाता के, आई वॉज वेरी न्यू टू कोलकाता बाय द वे, वो इंडस्ट्री के लिए मैं नहीं थी. मनोज वॉज वेरी हेल्पफुल. तो हम लोगों ने आबिर से शुरू किया, जितने वहाँ पे स्टार्स हैं सबसे घूमते घूमते लास्ट में हम लोग वापस आबिर पे अटक गए. ही वॉज डिस्टाइंड टू डू दिस करेक्टर एंड ही डिड मार्वलस. मतलब ये करेक्टर शायद बाद में फिल्म बनने के बाद लगा कि इट वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट आबिर चटर्जी. एंड म्यूजिक, यस इट्स अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द मूवी. राजा नारायण देव इज आवर म्यूजिक डायरेक्टर. उनके साथ मैं बेसिकली एक इसके पहले फिल्म के सिलसिले में मेरी बातचीत हो रही थी, बट समहाउ वो प्रोजेक्ट डिले हो गई और ये आगे आ गई. एंड राजा देव वॉज सो लाइक यू नो, पता नहीं मुझे कि आई एम बीइंग अ न्यू प्रोड्यूसर, कि वो इतने मेरे बात को सुनेंगे कि आई वॉन्टेड दिस, मुझे ये फ्लेवर चाहिए राजा दा, मुझे ऐसा चाहिए. एंड देन सबसे बड़ी बात थी कि कोलकाता इंडस्ट्री में सबसे पहली मूवी है जिसमें बंगाली फिल्म में हिंदी गाने. इसमें तो बहुत कंट्रोवर्सीज आ गई, सारे लोग पूछने लगे क्यों बंगाली फिल्म में हिंदी गाने. मैंने बोला स्क्रिप्ट डिजर्व करती है, स्क्रिप्ट को चाहिए हिंदी गाने, बिकॉज हमारा फिल्म, आई वोंट कॉल इट बंगाली मूवी, आई विल रेदर कॉल इट अ पैन इंडियन मूवी, बिकॉज हमने डायलॉग्स भी वैसे रखे हुए हैं, फिल्म के फ्लेवर भी वैसे रखे हुए थे. जहाँ पे हम लोग पहाड़ पे जाते हैं, मोंक आते हैं, या दैट पार्ट ऑफ द फिल्म दे डोंट टॉक बंगाली, बेसिकली कालिम्पोंग एंड दार्जिलिंग एंड सिक्किम पीपल, तो दे टॉक हिंदी. तो वी कंसीव कि चलो हम लोग हिंदी पे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते कैरेक्टर्स को और थ्रू द कल्चर. जहाँ हम पहाड़ पे गए तो वहाँ पे स्क्रिप्ट, यू नो, इट वाज डिजर्विंग अ हिंदी बैकग्राउंड. और बेसिकली ऐसा हुआ कि मुझे जो फ्लेवर चाहिए थी, द बेसिकली द थीम सॉन्ग ऑफ द मूवी, इट वाज काइंड ऑफ अ वेरी मच ऑफ परिंदा का कुछ फ्लेवर्स मुझे अच्छी लग रहे थे कि मैं कैसे वो फ्लेवर लाऊं. तो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी बाय द वे. हमारा खुशी धलोरी जी जो इस
जो थीम सॉन्ग है, दो हिंदी गाने हैं जिसमें फिल्म है, उनके लिरिक्स राइटर खुर्शीद हलोड़ी जी है, जो उन्होंने परिंदा के सारे गाने लिखे थे, एंड कट टू अपना फिल्म, ही वेंट बैक टू यूपी, और मुझे वो फ्लेवर चाहिए थी करके मैंने ऑल द वे फ्रॉम यूपी आई कॉल्ड हिम बैक एंड आई सेड प्लीज राइट समथिंग कि वो प्यार के मोड़ पे वो गाना मुझे, आई वॉन्टेड दैट फ्लेवर बेसिकली फॉर द सॉन्ग फॉर द फिल्म. तो उनको बुला के लाए और उनसे बैठा के लिखाया गया और राजादा वॉज सुपर्ब, लाइक ही डिड मार्वलस टू द एंटायर म्यूजिक पार्ट जो मुझे चाहिए थी बेसिकली. भले बहुत कंट्रोवर्सीज हुआ बट आई एम हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे. अच्छा, आपकी फिल्म बंगाल में रिलीज हो चुकी जी, तो लोगों के रिएक्शन कैसे मिले? क्रिटिकली वेरी वेरी वेल एक्लेम्ड, मतलब इवन कहीं की जिंदगी भी चेंज कर सकती जी जी, जितने लोगों ने फिल्म देखे हैं उन्होंने फिल्म देखने के बाद निकल के, कई लोगों को मैंने पर्सनली विजिट किया आफ्टर द स्क्रीनिंग आफ्टर द शोज, कई लोग रोते थे लाइक फिल्म देखने के बाद आने के बाद कि हमारे लाइफ में भी ऐसे कुछ हुआ है और ऐसा होना चाहिए, कहीं तो इंसान को बदलना चाहिए. और इट्स वेरी टचिंग, वेरी यूनिक कंसेप्ट, वेरी सॉफ्ट वे, और लोगों को मैंने रोते हुए देखा, दैट वाज माय अचीवमेंट यू कैन से. यस ऑफ कोर्स यस. अच्छा, भार्गव में इस फिल्म को कैसा रिस्पांस मिला? बहुत अच्छा. मैंने हांगकांग में इसको इंटरनेशनल प्रीमियर में उन्होंने सिलेक्ट किए थे HKTDC हांगकांग मार्ट में, और वहाँ पे नॉन इंडियन होके भी करीब 35 लोग जो चाइनीज़ और जापानीज़ और इवन कोरियंस काफ़ी लोग थे जिन्होंने मे बी लैंग्वेज को उतना नहीं समझे, बाई सबटाइटल्स जितने भी समझे होंगे, निकलने के बाद उनके रिएक्शंस बहुत अच्छे थे. हांगकांग के तो कई लोगों ने ऐसे बोले कि वी शुड शो दिस फिल्म टू द गवर्नमेंट, कि इतना आई मी माई सेल्फ नहीं होना चाहिए, शुड बी वेरी हम्बल. इसकी जो कास्टिंग बड़ी चैलेंजिंग है, अबीर जैसा ही गिल डॉल वाला एक और आपको हीरो, तो उसके लिए कितना आपको खोज करनी पड़ी? हीरो के लिए तो मुझे सेम है, मैंने पहले भी बोला कि मुझे बहुत खोज करनी पड़ी. जो उसका जो हमशक्ल जाके हमशक्ल को ढूंढने के लिए यस, द सेम काइंड ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड द लुक एंड द फीलिंग ऑफ द कैरेक्टर ढूंढना पड़ा था, एंड वी फाइनली गॉट इट एंड ही डिड आल्सो गुड जॉब. क्या नाम उसका? आई एम सॉरी. अगर आप ये फिल्म हिंदी में बनाएं तो किस एक्टर को कास्ट करना चाहेंगे? मैं इस फिल्म को जब भी सोचा है कि मतलब अक्षय कुमार या अभय देओल, गुड आर्टिस्ट शुड यू नो विद दैट यू नो एम्पावरमेंट जो होते हैं उनकी पर्सनैलिटी में, वो दैट इज रिक्वायर्ड. थैंक यू, थैंक यू सो मच. Interaction with the first film sadly didn't happen, probably it will happen in a later date sometime, maybe in a different language, I hope Hindi, because that's what we're looking forward to now with Adif Creation and Shivangi. But this film which we, and also with the director, this is my second film with the director Manoj Michigan, having done his last film 89 also, it's called the music for that. So when they came to me with the concept, so the very concept of the film, this thriller, at the same time a fantasy, at the same time it's there are kids involved, it's a story of kids, young kids also, on and it also has a lot of emotional content in it. So I knew the music is going to be a lot challenging that a regular film would have. A regular commercial film, it's like, you know that this is the scene and this is the kind of music you want to do. But in this kind of a film, you see something, but something else is actually happening. So till the last, we don't know where the story is going. So that wo jo duvidha hoti hai, that needed to come out in the music also. And it had different layers. If you watch the film, you'll know there's a thriller element where the thriller kind of music happens. At the same time, there's a monk happening. Monks ka jo wo North Bengal ka jo sequence tha. The Buddhist chants and all reviews. At the same time, this kid's zone, so that required a different kind of treatment. And also the emotional content, which is the bonding between the two lead characters. So all different kind of, different genres of music fused together into one film. And to
execute that correctly, it was a bit of a challenge. And in fact, also for the songs, the main theme song was used in three different pieces. So it had to have that element of, if I could say, journey, because that song takes the film forward. At the same time, the other song had to be very kids friendly. It needed that kind of innocence in that song, which could relate to the orphanage and the children and their innocence. So pretty tough task for the music director. Thank you. Please tell us about you've acted in the film. Yeah, so I played a very small role. That is a deputy chairman of Joy Chatterjee, who manages the show in his absence in his office. So it was very challenging, and I'd like to congratulate the team for such a wonderful job. I think I think Abid spoke to me on this, because the team, I think, when Shivangi was very, very particular about the cast, and for a corporate role, they wanted somebody from corporate. So I'm not a regular, you can say I'm not into films, and I have acted in 3-4 movies, but that completely from a primal passion point of view. So I'm from corporate, I'm a retailer myself, working for a retail organization. So they're very particular, they wanted somebody to be a deputy chairman in a similar stature in his personal life as well. So this is a kind of professionalism and the detailing that they were looking at. So and you know, the movie is of self-actualization of a person who is too much lost in I, me, myself kind of a journey. Definitely the reactions of the Kolkata audience, I think, and the kind of Facebook reviews that we have received and the kind of Twitter updates we received are amazing. I think this is a movie which will take Bengali cinema to the next level. I think the way films are conceived there, and it's more of a global cinema, as Shivangi rightly mentioned. And let's hope it does well in other languages also. Thank you. Thank you. Thank you. So just add three of you together for some reason. Yeah, sure. हमारे YouTube चैनल बॉलीवुड डे नाइट न्यूज की खबरें पसंद आने पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन दबाएं और लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।